मेरे पापा में मेरी एक वर्ड यूज़ करते थे छुई मुई का पौधा मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ माई सेंसिटिव नेचर उन्हें वो छुई हुई का पौधा वर्ड मेरे लिए ज़्यादा रिलेवेंट लगता था क्योंकि इंसान जब उसको थोड़ा सा भी से टच करता है थोड़ा सा भी उसमें हार्शनेस जब दिखती है ना तो वो एकदम से मुरझा जा जाता है या फिर कहते हैं कि वो सो जाता है थोड़ी देर के लिए लेकिन उसकी सबसे अच्छी बात पता क्या है कि वो नेक्स्ट डे वापस पहले जैसा मिल जाता है अपनी ओरिजिनल स्टेट में उसी एनर्जी के साथ लगता नहीं है कि वो पौधा पहले मुरछा गया था तो मैं उस छुई मुई के पौधे का नेगेटिव नेचर ना लीजती उसका पॉजिटिव नेचर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती थी कि मतलब भले ही मेरे लिए वर्ड यूज़ किया जा रहा है मेरे सेंसिटिव नेचर की वजह से ये छुई मुई का पौधा लेकिन मुझे पता है उसकी जो उसका पॉजिटिव नेचर है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता था कि इसके इस पौधे के अंदर कितनी एनर्जी भरी हुई है इसके अंदर कितना पेशेंस है कि इंसान इसको दस बार चुएगा लेकिन ये दस बार वापस पहले जैसा हो जाएगा अपनी ओरिजिनल एनर्जी के साथ अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा मतलब जैसा वो पहले था जिस एनर्जी के साथ वो ग्रो कर रहा था वापस उसी एनर्जी के साथ ग्रो करेगा ठीक है और मतलब ऐसा लगता है कि एक तरीके से हमारा लाइफ की जो हमारे लाइफ में अप डाउंस आते रहते हैं ना बिल्कुल उसी की तरह है ये जैसे कि हमारी लाइफ में कुछ अपडाउंस आए थोड़ा सा शुरू के पौधे पर इंसान ने अपने हाथ टच करा उस पर अपनी हार्शनेस दिखाई वह मुरझा जाता है तो जैसे माइंड लाइफ में डाउंस पार्ट आते हैं तो हम बहुत उदास लाते हैं लेकिन यदि हम उस पौधे से कुछ सीखें तो यह है कि हमें वापस अपने अंदर वही एनर्जी कलेक्ट करके उसी पावर के साथ फिर से अपने नेक्स्ट दिन के लिए नेक्स्ट शुरुआत के लिए वापस खुद को प्रिपेयर करना चाहिए तो